हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके फुटबॉल करियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं इस वीडियो में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने क्या गलती करा था और आपको ये गलती नहीं रिपीट करना है, क्योंकि मैंने किया था तो मैं आपको बताऊँगा कि उस वजह से मेरे को अभी तक उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इंजरी एक पार्ट होता है फुटबॉल करियर में, कि इंजरी तो होता ही है सभी को, लेकिन उसको डील कैसे करते हैं प्लस उसके साथ और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है वो बहुत लोग अवॉइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में जाके इन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मेरे को अभी तक आ रहा है, जिस वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको मैं अब शेयर करूँगा और आप इस बात को समझोगे कि हाँ, आपको ये गलती रिपीट नहीं करना है। इंजरी होता है, उसको डील कैसे करते हैं, उसके साथ किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, ये है मेरा प्रिस्क्रिप्शन, आपको इसके बारे में नहीं डिटेल बताऊँगा। डिटेल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले, मेरे को एक इंजरी हुआ था। वो मेरे लेग के पीछे टेयर में लग गया था, जिस वजह से वो फोल्ड नहीं हो पाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ दिनों तक रेस्ट लिया, क्योंकि वो तो एकदम काम ही नहीं कर रहा था। मतलब मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर सकता था, रनिंग और फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स डॉक्टर का चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, और कुछ दवाइयाँ वगैरह दिया और एक्सरे वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि माइनर इंजरी है लेकिन रेस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रेस्ट नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा वापस से। तो फ्रेंड्स, मेरा क्या गलती था जो कि आप लोग को नहीं करना है। इंजरी तो सबको होता है, पर मैंने क्या गलती करा, थोड़े दिन रेस्ट दिया, मैंने देखा कि अब पेन नहीं हो रहा, मैं वॉक कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, पर मैं वापस से जितना टाइम पीरियड था रेस्ट का, जो टाइम पीरियड था मेरा, उससे पहले ही मैंने वापस से खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया। फिर से देख, आप लोग देखते भी होंगे, बीच बीच में मैं रील्स वगैरह भी बनाते रहता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ बनाने लगा। तो फिर जब मैं खेलता तो अचानक से फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था, और ऐसे में बार बार रेगुलर करते रहा और डॉक्टर दिखाते रहा। डॉक्टर ने बोला कि अभी ठीक हो जाएगा, तो पहले एक महीना रेस्ट, दो महीना रेस्ट, उन्होंने बोला था 6 से 7 महीने, 8 महीने प्रॉपर रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो, और वो क्या, वो टीयर बार बार, ये ऐसे लेग जो फोल्ड होता है हम लोग का, ऐसे होता है, और मेरा जो ब्रेक हुआ ऐसे टीयर मेरा साइड का ब्रेक हुआ, जिस वजह से मेरे को प्रॉब्लम होता है। और अभी वो टीयर इतना ब्रेक हो चुका है कि पीछे से पूरा हाफ जो सर्कल जैसे बनता है वैसे में ब्रेक हो चुका है, जिस वजह से मेरे को इतना प्रॉब्लम होता है कि मैं अपने पैर को फोल्ड भी नहीं कर पाता, और अब तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा MRI और एक्सरे वगैरह सब हुआ है, तो उसमें पूरा साफ दिख रहा है कि हाँ, वो टीयर टूट चुका है बहुत बुरी तरह, जिस वजह से मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि अगर आपको कोई इंजरी होता है, अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को दिखाते हो, तो प्लीज़ उनके बातों को फॉलो करो। मतलब होता है कि हाँ, खेलने का मन करता है, कुछ ट्रायल्स मिस होंगे, लेकिन कुछ महीने का जो आपका रेस्ट होता है वो आपका फ्यूचर करियर बना सकता है। जैसे मेरे को अभी तक, अब पता नहीं ये कब ठीक होगा, मुझे खुद भी नहीं पता कि कब ठीक होगा, कब मैं प्रॉपर तरीके से रिकवर कर पाऊँगा। एक ऐसा है कि मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ मैच भी नहीं खेल पाता हूँ, बाहर का टूर्नामेंट तो दूर की बात है, तो एकदम नहीं खेल पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही मैसेज है कि अगर आपको कुछ इंजरी हो रहा है तो वो तो पार्ट है, इंजरी तो होगा ही होगा, लेकिन उसको रिकवर करो, उसके पीछे टाइम दो, प्रॉपर डाइट लो, और उसके उस और डॉक्टर के बताए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करो। जैसे मैंने नहीं करा, और मैंने 1 साल 1.5 साल से यही सब करते आ रहा हूँ कि बार बार थोड़ा दिन रेस्ट लेता हूँ, फिर ठीक हो जाता है, फिर वही सब करने लगता हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्टोरी जो कि आपको एक मैसेज दे रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ इस बात को समझो, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए कि हाँ, ये बात सही है, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। और फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत ऐसे प्लेयर होंगे जिनको पता ही होगा कि मेरे को इंजरी है, जिस काफ़ी टाइम से, लगभग 1.5-2 साल से इंजरी, और भी पहले से इंजरी था, वो मैं ठीक कर चुका था, वापस से वो चोट सेम जगह लग लग के वो अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है कि फ्रेंड्स, मे बी इन फ्यूचर वापस से ऑपरेशन करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी अपना ध्यान रखो और अच्छे तरीके से डील करो इन सब चीज़ों को। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका भी करियर इन डेंजर में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और बहुत से आप लोगों प्लेयर जिनको पता ही होगा कि मेरे को इंजरी हुआ था, तो वो लोग भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ, आपको पता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। और मुझसे कुछ डिस्कस करना हो तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।